अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाघों की गणना पर आधारित रिपोर्ट की जारी। रिपोर्ट के अनुसार देश में 2800 से ज्यादा बाघों का लगाया गया अनुमान। प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। सिडनी के पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा बाघ दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली। प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल लालजी टंडन ने ली राज्यपाल पद की शपथ। राजभवन में आयोजित किया गया समारोह, कई मंत्री अधिकारी और नेता रहे मौजूद। के बाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण की जरूरत पर दिया जोर। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग को बताया देश की अहम जरूरत। जल संरक्षण के लिए व्यक्तिगत तौर पर काम करने वाले लोगों को पीएम ने सराहा। कारगिल में 10 दिवसीय आदिवासी कार्यशाला का किया गया आयोजन। आदिवासी कला संस्कृति और परंपरा के संरक्षण के बारे में छात्र छात्राओं को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। छतरपुर जिले के खजुराहो में आयोजित कृषि विज्ञान केंद्रों की कार्यशाला का आज अंतिम दिन था। देश भर के कृषि विशेषज्ञों द्वारा बुंदेलखंड में किसानों की बेहतरी के लिए बनाई गई नीतियों पर किया जा रहा है विचार। राजगढ़ में पुलिस द्वारा महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर की जा रही खास पहल। महाविद्यालयों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर दी जा रही महिला सुरक्षा की जानकारी। सिलवासा में किया पौधारोपण, लोगों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण का दिया आश्वासन। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, होशंगाबाद सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जोरदार बारिश का दौर जारी। शाजापुर, राजगढ़ जिले के कई गांवों में नदी नाले उफान पर आने से जनजीवन प्रभावित। वैज्ञानिकों ने राज्य के 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी की जारी। अगले 24 से 48 घंटों में कटनी, जबलपुर, सिवनी, शाजापुर, गुना, सीहोर, अलीराजपुर सहित 20 जिलों में भारी से भारी बारिश की आशंका। भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान के जरिए 6 करोड़ नए लोगों को पार्टी में शामिल करने का किया जा रहा है काम। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा 11 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के साथ भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा दल। सावन के दूसरे सोमवार पर प्रदेश के शिवालयों में श्रद्धा और भक्ति का माहौल। भगवान शंकर की श्रद्धालु कर रहे हैं विशेष पूजा अर्चना। शिव तीर्थों पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 8 अगस्त को मिलेगा भारत रत्न। नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत दिया जाएगा ये पुरस्कार। राष्ट्रपति भवन द्वारा दी गई जानकारी। भारत की स्टार बॉक्सर और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम ने फिर जीता गोल्ड। इंडोनेशिया में खेले गए प्रेसिडेंट्स कप में 51 किलो वर्ग कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की अप्रैल फ्रैंक को 5-0 से हराया। और श्रीलंका ने दूसरे वनडे मुकाबले में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। 44 महीनों बाद श्रीलंका ने जीती घरेलू वनडे सीरीज। अविष्का फर्नांडो 82 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद बने मैन ऑफ द मैच।